नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि केंद्र सरकार चुनावों से पहले या दिवाली से पहले किसानों को बड़ी सौगात देने जा रही है, फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाकर। और कल केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले और चुनाव से पहले रबी की 6 फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करके एक बड़ी सौगात किसानों को दी है। आगे वीडियो में बात करेंगे कि MSP में कितनी बढ़ोतरी हुई है और क्या MSP का कानून कैसे तय होती है, इनकी कीमतें। उससे पहले आप सभी को जय जवान जय किसान चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी राय देना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बात करते हैं, कल केंद्र सरकार ने गेहूं की MSP 150 रुपये से बढ़कर 2275 रुपये क्विंटल हुई है। सरकार ने रबी की 6 फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 150 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। रबी की 5 अन्य फसलें जो चना, मसूर, सरसों, कुसुम की MSP में भी भारी बढ़ोतरी की है। 18 अक्टूबर को कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया था। रबी की फसल की बुआई लौटते मानसून और पूर्वोत्तर मानसून के समय की जाती है। इन फसलों की कटाई आमतौर पर गर्मी के मौसम में अप्रैल में होती है। ये फसलें बारिश से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, चना, मटर, सरसों और जो है। तो किसान भाइयों बात करते हैं चने की MSP जो कि 5440 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। गेहूं की अगर बात करें तो 2125 रुपये पुराना MSP था, उसे 2275 कर दिया, 150 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। जो कि अगर बात करें तो 1850 रुपये इस बार कर दिया गया है उसका भाव MSP में, 1735 पिछला था, 115 रुपये की बढ़ोतरी हुई। चने की बात करें तो 105 रुपये की बढ़ोतरी हुई और मसूर की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा 425 रुपये की जो बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरसों और तिलहन की बात करें तो 5650 रुपये भाव इस समय हो गया है, पहले 5450 था, 200 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुसुम की अगर बात करें तो 150 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी कि 5800 रुपये प्रति क्विंटल भाव हो गया है, पहले 5650 था। तो इस तरीके से जो रबी की जो फसलें हैं उनके जो भाव आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, सरकार ने एक अच्छा तोहफा दिया है चुनाव से पहले। उसके बाद बात करें तो क्या है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो गारंटी मूल्य जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हो। इसके पीछे कई तर्क यह है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर कितना असर पड़े, उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे। सरकार हर साल सीजन से पहले CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एवं प्राइजेस की सिफारिश पर MSP तय करती है। यदि किसी फसल की बम्बर पैदावार हुई है तो उसकी बाजार में कीमतें कम होती है, तब MSP उसके लिए फिक्स एश्योर्ड प्राइस का काम करती है। यह एक तरह से कीमतों में गिरने पर किसानों को बचाने वाली बीमा पॉलिसी की तरह काम करती है, यानी कि एक तरह से ये गारंटी है कि फसलों की ये कीमतें रहेगी, सरकार ने जो तय की है बाजार में इससे कम में खरीदी नहीं की जा सकती। उसके बाद अगर बात करें तो MSP में 23 फसलें शामिल होती है, 7 प्रकार के अनाज, धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जो, 5 प्रकार की दालें शामिल होती है, चना, अरहर, तुहर, उड़द, मूंग और मसूर, 7 तरह की तिलहन फसलें, रेपिड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और निगर सीड, 4 व्यवसायिक फसलें शामिल होती है जिसमें कपास, गन्ना, खोपरा, कच्चा जूट, इस तरह की ये फसलें, 23 तरह की जो फसलें हैं वो MSP में शामिल है इस समय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट आप स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। समृद्ध एवं खुशहाल किसान नए भारत की पहचान। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रल ने जो आज 2024-25 के लिए रबी की 6 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश के अन्नदाताओं के हित में सरकार का यह महत्वपूर्ण निर्णय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। आप देख सकते हैं कि इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने ट्वीट किया है। उम्मीद है किसान भाइयों जो बातें वीडियो में बताई आपको पसंद आई होगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और MSP में जो बढ़ोतरी हुई उसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। क्या चुनावी साल के रूप में किसानों के वोट हासिल करने के लिए ये सब किया जा रहा है, या दिवाली से पहले किसानों को खुश करने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी पिछली बार भी हर साल दिवाली पर किसानों को तोहफा देते हैं, ये तोहफे की तरह है। तो कमेंट करके अपनी प्यारी राय जरूर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।